आलमी वबा कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। कई अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की गुंजाइश ही नहीं रही, जिससे सूरत हाल कंट्रोल से आउट होती दिखाई देती है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नदीम शहजाद से। जी नदीम, अपडेट कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल के जो अहकाम दिए गए, उसके अंदर सैनिटाइजर का इस्तेमाल है, मास्क का इस्तेमाल है, गर्मी शिद्दत है, मास्क का इस्तेमाल भी ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन सांस के जो मरीज है वो मास्क का इस्तेमाल कम रखें और गर्द आलूदा जगह है और जो गंदगी की जगह वहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करें, छींक और उसमें एहतियाती तदाबीर करें। रोजाना की बुनियाद पर जो सर्जिकल मास्क है उसको तब्दील करें, जो पीला हो जाता है, पसीना आ जाता है, जिससे वो दूसरे रोज कारामद नहीं रहता। इसके साथ ही सैनिटाइजर के इस्तेमाल में खास एहतियाती तदाबीर चाहिए कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, चूँकि अगर वो ड्राई सैनिटाइजर है, एलोवेरा उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो जल्द को जला देता है, स्याह कर देता है। इस हवाले से सैनिटाइजर का इस्तेमाल उस वक्त करें जब किसी हाथ मिलाएं या किसी जगह पर आप जाएँ, तब उस सैनिटाइजर का दिन में कम से कम इस्तेमाल करें, चूँकि ज़्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल और खुश्क ड्राई सैनिटाइजर के इस्तेमाल से जल्द पर उसके असरात मुरतब होते हैं, बुरे असरात मुरतब होते हैं। इस हवाले से जब भी आप हाथ मिलाएं तो उस वक्त कम सैनिटाइजर हो, उसमें एलोवेरा जो है वो इस्तेमाल किया हुआ हो तो ज़्यादा बेहतर है, तिब्बी माहरीन की जानिब से ये कहना है। लेकिन एहतियाती तदाबीर पर ख़ास तौर पर जो उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखें, ताकि कोरोना वायरस के फैलाव में की रोकथाम में अमली इकदाम के अंदर आप भी अपना हिस्सा मिला सकें, एहतियाती तदाबीर करें, रश वाली जगह पर रह जाएँ, समाजी मेल जोल के जो रबतों ने कम से कम करें और लॉकडाउन के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन जो लगे। बहुत शुक्रिया।